सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। भाई घर से निकल चुके हैं, अपने सुबह का मॉर्निंग अपनी स्टार्ट हो चुकी है। मॉर्निंग रूटीन में भाई इंटरनेट अपना ऑफिस की तरफ नहीं चल रहा है, घर की तरफ चल रहा है। वाईफाई फोन इंटरनेट मतलब मोबाइल इंटरनेट तो दोनों ही तरफ नहीं चल रहा है, कहीं भी नहीं चलेगा फरीदाबाद के अंदर, बट रेसिडेंस की तरफ चल रहा है। तो भाई थोड़ा सा जो इंटरनेट बेस्ड वर्किंग थी वो सारी भाई फिनिश करके थोड़ा सा लेट निकले आज ऑफिस के लिए, और इट्स अराउंड 11:30 के आसपास हो रहे हैं। तो भाई क्या करें यार, जो इंटरनेट के काम है वो तो घर से ही फिर करने पड़े अपने को, और फिलहाल अभी जा रहे हैं ऑफिस की तरफ, लेट्स गो। और भाई रोड आज अभी तक तो यहाँ पर भी खाली नजर आ रहे, पता नहीं भाई क्या ही हो रहा है। भाई जैसे जैसे रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं ना यार, अपने को ना मतलब हर जगह नॉर्मल से ज़्यादा भाई कॉप्स नज़र आ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि मतलब सिचुएशन उतनी नॉर्मल है जितनी की नज़र आ रही है। वैसे तो कुछ भी नहीं है रोड्स पे, बट पता नहीं क्या यार, अब देखो पीछे बैक एंड पे क्या चलता रहता है ना, यू नेवर भाई गड्ढा क्रॉस हो जाए फिर बोलते भाई बैक एंड पे क्या चल रहा है ना, यू नेवर नो, पता नहीं भाई। आई होप सारी चीज़ें ठीक हो और ये चीज़ें रिपीट ना हो, ये चीज़ें ना हो, बिल्कुल भी ना हो यार। तो भाई फाइनली अपने ना फरीदाबाद वाले बीच के पास पहुंच चुके हैं, अभी देखते हैं कि बीच के अंदर क्या पानी है और क्या नहीं है। और भाई अपने बीच को अब हम क्रॉस करेंगे, और ये देख रहे हो भाई, भाई बीच का पानी ना कम होता जा रहा है यार, गड्ढे बड़े हो रहे हैं, पानी कम गड्ढे बड़े। ये लो भाई इसको क्रॉस कर रहे हैं फाइनली, सूख गया यार, काफ़ी सूख गया। आई होप अब ये शायद ठीक हो जाए, क्योंकि जब तक पानी रहेगा तब तक तो रिपेयर कर नहीं सकते भाई। फाइनली यार अपने ऑफिस के नियर बाय पहुंच चुके हैं, और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लेस रोड मिल रही है भाई। अगर ऐसी रोड्स मिले तो यार मज़ा ही आ जाए। आपको मैं क्या बताऊँ कि आज मेरे को ना प्रोबेबली अराउंड 20 मिनट्स के आसपास ही लगे हैं भाई। तो जनरली ऐसे बहुत कम ही डेज आते हैं जब मैं इतनी जल्दी ऑफिस पहुँच जाता हूँ, तो सही है। सो फाइनली गाइज, अब भी फिर थोड़ी सी आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, बस मैं यूं गया और यूं आया। सो फाइनली गाइज निकल चुके हैं यार अपने ऑफिस से भाई, ऑलमोस्ट ना एक वीक हो चुका है भाई, एक वीक से डेली लेट आ रहे थे भाई, डेली लेट निकल रहे थे, ऑलमोस्ट 8-9 बज रहे थे, कभी 10 भी बज रहे थे, उससे भी लेट हो रहा था। अभी फिलहाल आज काफ़ी टाइम के बाद टाइम पे निकला हूँ, ऑल दो इट डजंट मीन कि वर्कलोड नहीं है, वर्कलोड पूरा है भाई, वर्कलोड पूरा है, बट थोड़ा सा जल्दी इसलिए निकला हूँ टाइम से कि भाई अपने को ना डॉक्टर के पास जाना है, अपना एक आज सेटिंग थी डॉक्टर के साथ। तो अभी देखते हैं यार, फटाफट पहले पहुँचते हैं और फटाफट पहले घर चलते हैं, फिर वहाँ से चलेंगे डॉक्टर के पास। और इसी के साथ गाइस आज मतलब काफ़ी प्रोडक्टिव डे रहा, काफ़ी अच्छा दिन था और काफ़ी सारा काम निकला आज, बट इसी के साथ ही भाई थोड़ा सा यार वही है, सैड पार्ट यही चल रहा है कि यार वो जो अपनी ट्रिप प्लान थी वो नहीं हो पा रही। अभी उसकी जगह कुछ दिल्ली मतलब जो लोकल अपनी साइट सीइंग है, जो लोकल अपने नियर बाय दिल्ली एनसीआर में प्लेसेज है उन्हीं को एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी फिलहाल, और फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू ज़रूर करेंगे इस मंथ के एंड में, नहीं तो नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में उसी ट्रिप को वापस में कन्फर्म करेंगे। भाई अभी तक ना इंटरनेट बंद है भाई, अभी तक इंटरनेट बंद है, मतलब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यार कि मतलब बिना इंटरनेट के लाइफ कैसी है यार, बिल्कुल अलग सी लाइफ है यार, ऐसा लगता है मल्टीमीडिया फ़ोन का तो यूसेज ही नहीं है भाई। अपना कीपैड वाला फ़ोन ले लो भाई, बिना इंटरनेट के तो इसका कोई यूसेज ही नहीं नज़र आ रहा। भाई अलग ही है भाई, इंटरनेट से इतना एडिक्शन हो गया भाई पता ही नहीं चल रहा, अब पता चल रहा है भाई, विदाउट इंटरनेट ना बिल्कुल अलग सी लाइफ हो रही है। अभी घर की साइड जा रहे हैं तो घर पे भाई अपना वाईफाई जो है ना वो वर्क कर रहा है, बट मोबाइल इंटरनेट नहीं वर्क कर रहा भाई। और जो अपना ऑफिस की साइड है ना वो कोर मतलब सोना रोड पे है, तो उधर की साइड भी भाई अपने पास जो इंटरनेट है वो डोंगल बेस्ड है, तो वो भी वर्क नहीं कर रहा है।
बट भाई जब से ये सीन हुआ है ना यार, देखो ट्रैफिक नहीं मिल रहा है भाई रोड्स पे। मतलब है अब यार देखो रोड है तो इतना एक आध दो गाड़ी तो आपको नजर आएंगी, बट वैसा ट्रैफिक नहीं मिल रहा। जबकि मैं इस समय जो निकला हूँ ना, ये बिल्कुल मतलब ऑफ आवर्स है, बिल्कुल वर्किंग आवर्स जब ऑफ होते हैं ना वो वाला टाइम है, तो भाई ट्रैफिक काफी मिलना चाहिए, बट बिल्कुल खाली रोड से देख रहे हो। सो फाइनली गाइज डॉक्टर के पास आए हुए थे, तो अपना ये वाला डॉक्टर विजिट वाला काम हो गया है। मैंने स्टार्टिंग में रिकॉर्ड नहीं किया गाइज, बट अभी यहाँ से निकला हूँ और ये काम अपना हो गया है। और अभी आपको ना मार्केट का नज़ारा दिखाता हूँ भाई। अभी टाइम देखो ज़्यादा नहीं हो रहा है, टाइम अभी ऑलमोस्ट 9 PM के आसपास का है, बट आपको नज़ारा दिखाता हूँ भाई। बिल्कुल अंधेरा भाई, कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, कोई इन द सेंस वाला जो ट्रैफिक होता है तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। भाई ये देखो भाई, ये ना बिल्कुल बीके चौक जो होता है ना, जो यहाँ का फेमस चौक है भाई, यहाँ इतना ट्रैफिक जैम होता है। और अब भाई आप ये देखो रोड देखो, ऐसा लग रहा है रात के 1 या 2 बजे का समय हो, बट भाई बिल्कुल अंधेरा है भाई, क्योंकि ना इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। ये जो वो सीन हुआ है ये उसके चक्कर में नहीं है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है भाई यहाँ पे। भाई ये देख रहे हो ज़बरदस्त भाई, बिल्कुल सब टाइम से अंदर चले गए भाई। बट रियल में भाई जो हुआ है ना भाई, बहुत गलत यार, नॉट गुड, नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोगों की कंट्री ग्रोइंग कंट्री है, और ग्रोइंग कंट्री के अंदर इस तरीके के जो ऑब्स्टेकल्स हैं ना भाई, ये ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं, और मतलब भाईचारा भी अफेक्ट होता है, तो नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं। सो फाइनली गाइज घर पहुंच चुके हैं यार, और डिनर वगैरह भी हो चुका है। अब फाइनली अपना एडिटिंग का काम बैंडिंग है, तो एडिटिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे और उस काम को भी फिनिश करेंगे भाई, जल्दी से फिनिश करेंगे उस काम को भी, बिकॉज अपना वही यार अभी थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है भाई, इसलिए यार जल्दी जल्दी चीज़ों को करना पड़ रहा है, जल्दी जल्दी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई जितनी जल्दी चीज़ मैनेज होएगी उतनी जल्दी फिनिश होएगी, फिनिश होएगी तो नेक्स्ट काम करेंगे यार। थोड़ा सा हेक्टिक चलेगा ये और थोड़ा सा, और उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा, बिकॉज़ यार देखो एक्चुअल में क्या है ना भाई, हम 2-3 ट्रिप्स प्लान कर रहे थे भाई, तो इसीलिए ना सारी वर्किंग शेड्यूल करी हुई थी कि यार इस डेट से इस डेट तक वी विल बी नॉट अवेलेबल, तो उससे पहले सारी चीज़ें फिनिश कर दें, सारी चीज़ें यू नो पाइपलाइन में होती हैं भाई। तो अभी फ़िलहाल जो कि अपनी एक बड़ी ट्रिप पोस्टपोन हो रही है, तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और कवर कर लें, है ना, क्योंकि फिर जो उसके बाद ट्रिप स्टार्ट होंगी तो अराउंड अराउंड बैक टू बैक ही होंगी, कंटिन्यूस होएंगी, तो इसीलिए यार थोड़ा सा ये सारा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, जो जेन्युइन कॉज है। और बाकी थोड़ा बहुत देखो वर्कलोड के ऊपर ना डिपेंड भी करता है यार, मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है, कभी कभार वर्कलोड बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी कभार वर्कलोड मतलब मार्केट का सिनेरियो थोड़ा हल्का रहता है तो फिर नहीं भी आता, तो भाई मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ें। फिलहाल के लिए ये है भाई कि जल्दी जल्दी फ्री होते हैं, व्लॉग को एडिट करते हैं, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी हम वीकेंड पे कहाँ जाने वाले हैं, तो भाई एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, आपको पता है कि यहाँ का सिचुएशन कैसा चल रहा है। तो भाई अपनी जो प्लानिंग थी ना वो गुरुग्राम में थी, गुरुग्राम में अपने को जो जाना था वो भाई बहुत ही एक हैपनिंग जगह थी, पूरे डे का टूर था वो, और वो था एक बेसिकली फॉर्म टूर, फार्म ना काफ़ी ट्रेंडिंग फार्म है, अभी नेम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ भाई, कमिंग ब्लॉग्स में आपको पता चल ही जाएगा। तो भाई वहाँ का पूरा डे टूर था। अब यार जो सिचुएशन अपने यहाँ पर चल रही है गुरुग्राम फरीदाबाद और आगे की साइड जो आपको पता है जो चीज़ हो रही है, तो अभी सोच रहा हूँ कि भाई उसको भी इस वीक के लिए डिले करूँ और नेक्स्ट वीक में उसको कवर करें, बिकॉज़ इस वीक में यार थोड़ा सा सिचुएशन सारी जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर अपना फरीदाबाद गुरुग्राम की साइड, मतलब पर्सनली ऐसा कुछ ऐसा सच है भी नहीं, बट फिर भी एक काइंड ऑफ यू नो थोड़ा सा एक सबकॉन्शियस माइंड में एक फियर फैक्टर होता है, तो वो चीज़ है भाई। अब भी देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता, तो थोड़ा सा टेंसी है फिलहाल के लिए ना भाई, उसको पोस्टपोन करके नेक्स्ट वीक पे एक और जगह है, काफ़ी हैपनिंग प्लेस है, काफ़ी अच्छी जगह है, और वो अपनी वो जगह है नोएडा की तरफ,
तो नोएडा के भी बिल्कुल लैंड में है गाजियाबाद की तरफ, तो देखते हैं या तो फिर उधर चलेंगे। बट इसी के साथ ना गाइस एक अपना और पेंडिंग ट्रिप था, तो भाई हो सकता है कि हम उसको भी कवर करें। अब वो कहाँ का ट्रिप था, तो भाई वो एक बड़ा ट्रिप था और आई होप शायद हम उसको कवर कर भी लें, बट कुछ अभी कंफर्म नहीं है गाइस, क्योंकि मॉनसून अल्टीमेटली द मेन थिंग इज मॉनसून भाई। जो भी ट्रबल अपने को फेस करना पड़ रहा है ना वो ये है मॉनसून। बट डेफिनेटली यार देखो कोई भी चीज़ अगर आपके साथ होती है, कोई भी चीज़ आपके यू नो आप फेस करते हो, तो डेफिनेटली आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हो, राइट। तो अभी फ़िलहाल जो हमने ये कुछ प्लानिंग करी है और उसके अंदर जो चीज़ें हमारे सामने हुई है, तो भाई इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो नेक्स्ट जो प्लानिंग होगी ना, नेक्स्ट ईयर में जो प्लानिंग्स होंगी ना, तो वो प्लानिंग्स डेफिनेटली काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रख कर होंगी, जिससे कि ये सारी चीज़ें अपने को फेस ही ना करनी पड़े, राइट। तो फिलहाल गाइज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और कल का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज। कल ऑलमोस्ट यू नो अपना फाइनल है भाई के साथ, इश्मीत भाई के साथ कुछ ऑनरशिप रिव्यू को लेके। तो भाई अगर देखते हैं कल वो हो पाता है शूट, तो भाई कल वो पक्का शूट करेंगे और चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, प्लान करके चलेंगे प्रॉपरली और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप करेंगे। आप लोग अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिए। आपको अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो भाई डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज। और आपके भाई की इंस्टा आईडी कीपिंग योर लाइफ 05, तो भाई जल्दी से जाके वहाँ पे फॉलो कर लो, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट वहीं पर आते हैं। और इसी के साथ गाइज मिलता हूँ आपसे दोबारा कल एक नए दिन की शुरुआत के साथ। टिल देन स्माइल।